इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का रोमांच अपने चरम पर है और हर कोई प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ऐसे में बीती रात एक और शानदार मुकाबला खेला गया जो दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों के लिए करो या मरो वाले मैच में केकेआर ने बाजी मारी। उसने मुकाबला 6 विकेट से जीता। पहले तो कोलकाता ने राजस्थान रॉयल्स को 142 रनों पर समेटा, उसके बाद 18 ओवरों में 4 विकेट खोकर 145 रन जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान की पारी के 4 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसी के साथ ही मौजूदा आईपीएल में केकेआर ने 13 मैचों में 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूत कर लिया है। कोलकाता की टीम अब 19 मई को प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना चुकी सनराइजर्स हैदराबाद टीम से भिड़ेगी। उसी दिन राजस्थान का सामना विराट कोहली की आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों मैचों के बेहद नतीजे अहम साबित होंगे। दूसरी तरफ 12 अंक रखने वाली किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को अभी 2 मैच खेलने हैं, उसके मैचों के नतीजों पर भी मौजूदा प्लेऑफ्स की दौड़ निर्भर करेगी। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को भी 2 और मैच खेलने हैं, वो भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। वहीं कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक के 41 और आंद्रे रसेल के 11 रन की नाबाद पारियों की बदौलत टीम को जीत मिली। क्रिस लिन को बेन स्टोक्स ने अनुरित सिंह के हाथों कैच कराया था। क्रिस लिन ने 45 रन बनाए थे। 117 रनों के स्कोर पर कोलकाता ने काफी शानदार तरीके से अपना रन रेट आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 4th विकेट उन्होंने गंवाया। वहीं नीतीश राणा ने 21 रन बनाए और इस सोढ़ी ने उन्हें LBW आउट किया। 69 रनों के स्कोर पर कोलकाता का 3rd विकेट गिरा था। रॉबिन उथप्पा अपने फॉर्म से फिर एक बार जूझते हुए नजर आए और महज 4 रन ही बना सके। रॉबिन उथप्पा को बेन स्टोक्स ने लौटाया, राहुल त्रिपाठी ने उस कैच को लपका था। 36 रनों के स्कोर पर कोलकाता को दूसरा झटका लगा था। कोलकाता की ओर से सुनील नारायण और क्रिस लिन ने पारी की शुरुआत की थी। पहले ही ओवर में नारायण ने कृष्णप्पा गौतम को 21 रन ठोक डाले, लेकिन दूसरे ही ओवर में बेन स्टोक्स ने काफी शानदार तरीके से नारायण को गौतम के हाथों कैच कराकर पवेलियन लौटा दिया। 21 रनों पर यह पहला विकेट गिरा था। राजस्थान रॉयल्स की ओर से राहुल त्रिपाठी और जॉस बटलर ने जोरदार शुरुआत की, लेकिन इन दोनों की कोशिश बेकार रही। लगातार विकेट गिवाने की वजह से राजस्थान ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 143 रनों का मामूली लक्ष्य छोड़ा था। कोलकाता की ओर से कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 4 विकेट झटके थे। उनके अलावा आंद्रे रसेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। राजस्थान रॉयल्स की टीम 19 ओवरों में 142 रनों पर सिमट गई। आखिरी विकेट जयदेव उनादकट का गिरा, जिन्होंने 26 रनों की काफी महत्वपूर्ण पारी खेली, जिस वजह से राजस्थान की टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर को हासिल किया। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड आउट किया। वहीं जोफ्रा आर्चर भी 135 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे। जोफ्रा आर्चर ने महज 6 रन बनाए। आंद्रे रसेल ने विकेट उनका हासिल किया। शुभमान गिल ने काफी शानदार मिड विकेट पर वो कैच पकड़ा। राजस्थान ने 9वां विकेट भी अपना गवा दिया था और विकेटों के पतझड़ के बीच प्रसिद्ध कृष्णा ने एश सोढ़ी का 1 विकेट लिया और विकेट के पीछे दिनेश कार्तिक ने 4th शिकार किया, जिसमें 3 कैच और 1 स्टंप भी शामिल थे। 128 रनों के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स ने 8वां विकेट गवाया था। कुलदीप यादव ने इस IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स को अपनी ही गेंद पर लपक लिया। 107 रनों पर रॉयल्स का 7वां विकेट गिरा था। इससे पहले कृष्णप्पा गौतम को शिवम मावी ने चलता किया। कृष्णप्पा गौतम से काफी उम्मीदें थी राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन कृष्णप्पा गौतम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद। 103 रनों पर राजस्थान रॉयल्स का 6वां विकेट गिरा था। एक बार फिर दिनेश कार्तिक ने उस कैच को लपका था। संजू सैमसन को सुनील नारायण ने LBW आउट किया। 95 रनों के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स ने अपना 4th विकेट खो दिया था। 1 रन बाद ही कुलदीप यादव ने एक और विकेट हासिल किया। स्टुअर्ट बेनी को दिनेश कार्तिक ने स्टंप किया। राजस्थान रॉयल्स को ये 5वां झटका लगा था। वहीं 85 रनों के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स ने 3rd विकेट गंवाया था। जॉस बटलर इस बार लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने 39 रनों की जानदार पारी खेली थी। उन्हें कुलदीप यादव ने अपना शिकार बनाया था। जेवान सियरल्स ने भी उनका कैच लपका। इससे पहले 76 के स्कोर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे चलते बने थे। रहाणे फिर अपनी खराब फॉर्म से जूझे और महज 11 रन ही बना पाए।
कुलदीप यादव ने उन्हें बोल्ड किया। वहीं ओपनिंग करने उतरे राहुल त्रिपाठी को आंद्रे रसेल ने वापस लौटाया। राहुल त्रिपाठी 27 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने विकेट के पीछे बाकी का काम किया। राजस्थान को 63 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा था। रॉयल्स की ओर से राहुल त्रिपाठी और जॉस बटलर ने पारी की शुरुआत की थी, जबकि कोलकाता की ओर से आक्रमण शिवम मावी ने संभाला, जो चोट से उभर कर वापस आए हैं। वहीं ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इससे पहले टॉस जीता था और राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा था। केकेआर ने प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था। साइड स्ट्रेन की समस्या से जूझ रहे पीयूष चावला के स्थान पर शिवम मावी को जगह मिली थी। उधर राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम 11 में यश सोढ़ी, अनुरीत सिंह और राहुल त्रिपाठी को शामिल किया, जिस वजह से उन्हें एक अच्छी शुरुआत मिली। आईपीएल के 11वें सीजन के 49वें मैच में कोलकाता और राजस्थान की टीमें आमने सामने थी। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक शानदार मैच होगा, क्योंकि एक नॉकआउट मैच की तरह अब सारे मैच यहां से नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान की फॉर्म जिस तरह से पिछले 3 मैचों में दिखी है, वहां पर ऐसा लगा कि राजस्थान इस मैच में भी बाजी मार लेगी आसानी से। लेकिन काफी शानदार गेंदबाजी में और काफी सही समय में केकेआर की टीम ने वापसी की और राजस्थान की टीम को शुरुआत से ही बैकफुट में ढकेल दिया। जब 60 रन के पार जॉस बटलर और राहुल त्रिपाठी की जोड़ी ने स्कोर को पहुंचाया था, तो उस स्कोर के आसपास ऐसा लग रहा था कि आज राजस्थान की टीम करीब 170 से 180 रन बनाएगी, और यहीं पर राजस्थान से चूक हुई। राजस्थान ने एक के बाद एक विकेट गवाए और विकेट गवाने के बाद उनका जो स्कोर होना चाहिए था वो स्कोर नहीं हुआ और महज 144 रन ही राजस्थान की टीम जो है वो बना सकी और ऑल आउट भी हो गई। अब ये देखने वाली बात है कि नेट रन रेट कितना मैटर करता है अगर टीमें ऑल आउट होती हैं, क्योंकि 18 ओवर में यहाँ पर कोलकाता ने जीत दर्ज की है। अगर कोलकाता की टीम एकाध बड़ी मैच, जो इनका एक ही मैच है, अगर इसे थोड़े से बड़े अंतर से जीतती है तो कोलकाता का नेट रन रेट पॉजिटिव में आ जाता है। अगर जीतती भी है तो कोलकाता सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, क्योंकि 16 अंक वाली टीमें अब प्लेऑफ में पहुंच पाएंगी। लेकिन अगर कोलकाता को यहां पर हारना है, अगर हारती है कोलकाता, तो कोलकाता को अपने नेट रन रेट में बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि 14 अंक पर अभी भी मुंबई, राजस्थान और आरसीबी के बीच काफी बड़ी जंग होने वाली है। आरसीबी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके बचे 2 मैच, एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है जो बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है, और एक मैच उनका यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। दोनों ही टीमें यहां पर चाहेंगी कि वो प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए। अगर राजस्थान को प्लेऑफ में जगह बनाना है तो उन्हें हर हाल में अब अपने अंतिम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराना होगा। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई का सामना आज किंग्स 11 पंजाब से है। अगर मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उन्हें किंग्स 11 पंजाब को हर हाल में हराना होगा। अगर पंजाब यहां से अपने दोनों मैच जीत जाती है तो पंजाब की टीम भी साफ तौर पर क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स अपना अंतिम मैच जीत जाती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी क्वालिफाई कर जाएगी, जिसके बाद 14 अंकों की किसी टीम के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन यहां पर हर टीम के लिए अब यही बात रह गई है कि आप हर मैच को जीतें और हर मैच को किसी को भी हरा कर बाहर करें। यहां पर अभी तक आईपीएल 2018 इतना ज्यादा रोमांचित हो गया है कि अभी तक टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी ये पता नहीं चल पाया है। सबसे खास बात यह है कि यहां पर टीमों को अब अपने प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है। यहां पर कई टीमें काफी शानदार फॉर्म में लौट चुकी हैं। अगर बात की जाए राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन्होंने जो बाद में अपना खेल दिखाया है, अगर ये शुरू से दिखाते तो ये टीमें शायद प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर टीमें काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर इतने बड़े मैचेस जीतने के बाद अगर आप हारते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना काफ़ी शानदार तरीके से नेट रन रेट सही कर लिया। किंग्स 11 पंजाब को हाल ही में उन्होंने 88 रनों पर समेटा था और महज 8 ओवरों में लक्ष्य को हासिल कर 10 विकेट से जीत हासिल की। अगर बात की जाए यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कप्तान दिनेश कार्तिक यही चाहेंगे कि हर हाल में वो अपने अंतिम मैच को जीते, क्योंकि फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैचों में 7 जीत और 7 हार है। अब यहाँ पर अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने अंतिम मैच को जीतती है तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सीधे प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, और प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस हफ्ते में प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना पाती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।